है, दो आपका जो चार पॉइंट इसमें डिस्कस करना है। पहला डिस्कस करना है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 के पहले, और दूसरा है भारत 15 अगस्त 1947 का क्या बाद, तीसरा इसमें पॉइंट है भारत कितने नाम, ठीक है ना, और चौथा जो है आजादी के मायने। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, पॉइंट पर देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो मैप है, दिख रहा है ना मैप, ये वाला मैप, ये वाला जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप कब का है, ये मैप है आपका क्या 1947 से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले का जो हमारा भारत था कुछ इस ऐसा दिखता था, काफी बड़ा विभाग था। क्योंकि आप अब इसमें देखा जाए तो यहां से हम देखें तो गंगा हमारे ही देश से निकलती थी और हमारे देश में गंगा रहती थी, लेकिन आज के डेट में देखा जाए गंगा निकलती है कहां से, भारत से, लेकिन चली जाती है कहां, बांग्लादेश में। अभी बात समझ में। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो आप क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान तो कभी अस्तित्व में था ही नहीं, और पाकिस्तान नाम का शब्द इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं था, ये तो नाम दिया गया है पाकिस्तान। एक्चुअली में ये जो मेन शब्द था वो तो आपका क्या था, आर्यावर्त था, हिंदुस्तान था, भारत था, सब संघ प्रदेश था। वायु पुराण में इसका क्या है उल्लेख मिलता है कि जो सात नदियों का समूह, जैसे कि हम जानते हैं पांच नदियों के समूह को पंजाब कहा जाता है, ठीक उसी तरह से सात नदियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संधो प्रदेश कहते हैं, सब संधो प्रदेश। देखिएगा तो आपने देखा होगा सब संधो, ठीक है ना, सब संधो प्रदेश, सब का मतलब होता है सात, संधो मतलब क्या होता है नदियां, यानी सात नदियों के समूह को सब संधो कहा गया, और भारत किसका नाम भी क्या है, सब संधो है। अगली बात समझ में। अब देखिएगा तो हमने यहां पर देखा कि भारत के 10 नाम है, कितने नाम है 10, मैं आपको काउंट कराते हैं। देखिएगा पहला भारत, दूसरा आर्यावर्त, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा दक्षिणापथ। हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं कि दक्षिणापथ है क्या। देखिएगा भारत में इस भारत का मैप अगर दिखाई दे रहा है तो इसको हम दो हिस्सा काट ले, ऊपर वाला हिस्सा उत्तर है, नीचे वाला हिस्सा क्या है दक्षिण है। तो दक्षिण में द्रविड़ रहते थे, जो आर्य क्या थे, नहीं थे। तो लेकिन भारत तो पूरा ऊपर से नीचे तक मिला के बना हुआ है ना, उत्तरी भाग और क्या दक्षिणी भाग। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो दक्षिण में रहने वाले जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था, द्रविड़ कहते थे। अब द्रविड़ जो है उस क्षेत्र को दक्षिणापथ कहते थे, इसलिए भारत का नाम क्या है, दक्षिणापथ भी क्या है उल्लेखित है। ओके, ये तो काफी प्रसिद्ध नाम है, सोने की चिड़िया। अब सोने की चिड़िया मतलब ये सोचिए कि यहां पर सोने की चिड़िया होती थी, सोने का अंडा देने काम करती थी, ऐसा कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सोने की चिड़िया का मतलब क्या है कि भारत जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है कपड़े का, दवा का उत्पादन करता था, और उसके सारे मेडिसिन, दवा जो है, कपड़ा जो है पूरे विश्व में बिकती थी, और वहां से जो है भारत में बुलियन आते थे, यानी सोने की सिक्का और चांदी की सिक्का। उस कॉन्सेप्ट में पूरे विश्व की सोना और चांदी भारत में जमा हो गया, जिसके कारण भारत का नाम क्या पड़ गया, सोने की चिड़िया पड़ गया। छठा नाम आपका संधो प्रदेश है, सॉरी सब संधो प्रदेश है, और सातवां नाम आपका जो है संधो प्रदेश है। उसके बाद से आठवां नाम आपका जो है ब्रह्म ऋषि है, नवां नाम आपका जो ब्रह्मवर्त है, और दसवां नाम आपका क्या है, इंडिया है। मैंने लास्ट में इंडिया शब्द इसलिए दिया है कि लास्ट में नाम दिया गया है, और भारत का जो सबसे पुराना नाम है वो हमारा क्या है, आर्यावर्त। कि आर्यो, देखिए आर्य मतलब आर्य, अवर्त मतलब क्या, उनके रहने का स्थान, यानी कि आर्य जिस क्षेत्र तक रहे उस जगह को क्या कहा गया है, आर्यावर्त के नाम से जाना गया है। और लास्ट में जब भारत का पार्टीशन हो गया था, भारत बट गया था, तब इसका नाम क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। तो वो कहते हैं कि इंडिया का मतलब भारत होता है, ऐसा नहीं है, वो तो कह दिया गया कि हाँ इंडिया को ही हम लोग भारत समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया का मतलब भारत नहीं होता है। लेकिन हमारे संविधान में मान लिया गया है कि इंडिया का मतलब भारत होता है, लेकिन हम इस बात से क्या है, सहमत नहीं है। ओके,